असलम एंड लेट्स गेट राइटिंग अब हम बात करें हैंस्ट्रेटिव नॉन फिक्शन अब इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन क्या होता है अलास्ट्रेशन का क्या मुराद है अलास्ट्रेशन यानी कि आप किसी चीज़ की तस्वीर बना रहे या इलास्ट्रेट करें तो इसके दो माने हो गए अब पहले जब हम नॉन फिक्शन की बात करते थे अलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन की इट मेन्ट एनी सॉर्ट ऑफ नॉन फिक्शन दर इज़ इलास्ट्रेटिंग सम सॉर्ट ऑफ एन इवेंट और इलस्ट्रेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट यानी कि उसको वाजे कर रहा है उसकी तशरी कर रहा है तो वो इलस्ट्रेटिव नॉन फिक्शन हो जाता था तो आपने एक पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की आपने उनको इन्फॉर्म किया आपने एनालाइज़ किया फिर उसके बाद आपने उसको इलस्ट्रेट करना शुरू किया यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है हाउ डज़ इट एक्चुअली अफ़ेक्ट अस दैट इज़ द होल एंड वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ इट वॉट विल हैपन ये सारी चीज़ें इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन में जाती थी बट नाउ द कॉन्सेप्ट इन द जनरल ऑफ इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन हैज़ टेकन ऑन ए न्यू मीनिंग स्पेशली सिंस द वेब हैज़ कम इन टू बींग एंड सोशल मीडिया हैज़ कम इन टू बींग तो जब हम फेसबुक की बात करते हैं तो वहाँ एक तस्वीर लगाते हैं अब तस्वीर पे थोड़ा सा कुछ लिखा होता है क्योंकि पीपल से दैट पिक्चर स्पीक्स द थाउजेंड वर्ड्स मगर फेसबुक पे आपने अक्सर देखा होगा ग्राफिक्स बने हुए होते हैं उस पर थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ होता है और इस सब के ऊपर स्टेटस बार में या जिसको टॉप टेक्स्ट भी कहते हैं वहाँ एक छोटा सा एक राइटअप भी दिया जाता है जो कि इलस्ट्रेट कर रहा होता है उस तस्वीर को जो आपने साथ दी हुई है तो द इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन फॉर्म हैज़ हैज़ सॉर्ट ऑफ डिवेलप्ड एंड इवाल्व्ड एज टाइम हैज़ गॉन एंड इट्स बिकम पार्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एलास्ट्रेशन्स और पार्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग पिक्चर्स तो जो पिक्चर बुक्स होती थी उसमें साथ साथ आप देखते थे कि तस्वीरें हैं नीचे उसको तस्वीर जो इलास्ट्रेशन है उस थोड़ा सा कैप्शन या कुछ लिखा जाता है और आगे पिक्चर बुक चलती चली जाती है तो वही अलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन फॉर्म जो है जब हम वेब पर ले कर जाते तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आना शुरू हो गए हैं Uh, आपके पास स्नैपचैट है आपके पास फेसबुक है आपके पास ट्विटर है आपके पास इंस्टाग्राम है ये सारे जो एस्ट्रेटिव नॉन फिक्शन फॉर्म्स हैं यहाँ पर राइटिंग जो है वो एक ग्राफिकल इमेज को या वीडियो कॉन्टेंट uh, को या कोई और पीस एनिमेशन होता है गिफ्ट होता है इन चीज़ों को एस्ट्रेट करती है डिस्क्राइब करती है तो उसको हम इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन कहते हैं सो द की पॉइंट्स वेन राइटिंग इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन आर टू मेक श्योर दैट दे आर डिस्क्राइबिंग द इलास्ट्रेशन डिस्क्राइबिंग द इमेजरी दैट पीपल आर सींग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग इट यानी सिर्फ ये नहीं बताना कि वो देख के आ रहे हैं क्योंकि लोग तो देख रहे हैं बताना हमेशा ज़रूरी नहीं होता मगर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसको कॉन्टेक्स्ट देकर इसका कॉन्टेक्सट क्या था इसके पीछे ये तस्वीर क्यों शेयर की जा रही है या इससे हम क्या वॉट आर वी टेकिंग अवे फ्राम इट वॉट डू वी वॉन्ट यू टू टेक अवे फ्राम इट वट इस द कॉन्टेक्स दैट वी वांट यू टू सी दें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस एक इमेज या वीडियो को अलास्ट्रेट फर्दर इलास्ट्रेट करने में हेल्प करती हैं दे आर फैक्चुअल यानी कि वो इमेजिनेशन uh, नहीं है फ़िक्शनल नहीं है वो उस तस्वीर या वीडियो के बारे में उसी को कॉम्प्लीमेंट करती है उसी सचुएशन को आगे बढ़ाती है या उसके पीछे जो एक हिस्ट्री चल रही होती है उसके बारे में बताती है उसको हम इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन कहते हैं There are a lot of job opportunities for people who are writing content for web, who are uh, called social media managers, who are called content managers, who are uh, using this technique not just for the web where they are uh, writing top texts or text within videos or text within um, images, but also are writing for uh, video stories, short. आपको स्लाइड शोज़ नज़र आ रहे होंगे ये बहुत सारा जो इस ये एक, एक किस्म का फॉर्म जो है इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन का बनता चला जा रहा है की एग्ज़ाम्पल इज़ ए जे प्लस नाउ दिस ये लोग सारे जो हैं अपनी न्यूज़ जो है वो इस तरह uh, इस इलास्ट्रेटिव नॉन फिक्शन फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं लोगों को आई होप दिस इज़ हेल्प यू एंड वील कैच यू इन द नेक्स्ट सेक्शन